झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इनका कहना है कि स्लम फ्री मुंबई का सपना पूरा करने के लिए स्लम एरिया एक्ट 1976 में बदलाव जरूरी है। मैं 55 साल अपने जीवन के मैंने स्लम में रहकर गुजारा है। 3 बार पार्षद और 2 बार विधायक बनने के बाद में भी मैं स्लम ही में ही रहा। मेरी बच्ची बड़ी हो गई, फिर उसके लिए मुझे घर के लोगों ने प्रेशर किया, इसलिए मैं फ्लैट में शिफ्ट हो गया। नहीं तो मेरा एक संकल्प था कि जिन लोगों के साथ में मैंने जीवन बिताया उन सारे लोगों को बिल्डिंग में भेजकर ही मैं जाऊंगा करके। लेकिन मुंबई शहर में हमारा जो स्लम एक्ट जो बना हुआ है वो 1976 में बना। 1976 से लेकर आज तक 280,000 लोगों को हम घर दे पाए। हम ये शब्द का उपयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम। सरकार किसकी है वो सेकेंडरी है। और आज भी मुंबई शहर में 14 लाख से भी ज़्यादा लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। अब ये रफ्तार को अगर हम देखेंगे तो आने वाले 80-90 साल तक हम मुंबई को स्लम फ्री कर नहीं पाएंगे। इसलिए सारे लोगों ने मिलकर इसको काम को करना पड़ेगा।